केस स्टडी देखेंगे। इससे पहले एक केस स्टडी मैं करवा चुका हूँ, ये दूसरी है। बच्चों को केस स्टडी करने में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है और केस स्टडी बहुत सिंपल होते हैं। ये अपने आप में बताते हैं कि हमें कैसे सोल्व करो, बस ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और लाइन टू लाइन उसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखो, आराम से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लिया होगा आपने और क्वेश्चन को समझ लिया होगा। चलो मैं समझाता हूँ। किशन, किशन मेरा ही नाम है, किशन इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस एंड अवॉइड फास्ट फूड केक्स एंड आइसक्रीम ऑन हिज बर्थडे। मैं अपने बर्थडे पे डिसाइड करता हूँ कि मेहमानों को क्या दूंगा, सिर्फ फ्रूट दूंगा, ठीक है ना। ही हैड 60 बनानास एंड 36 एप्पल विच आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग। मतलब मेरे पास 60 केले हैं, 36 सेब है और मुझे मेहमानों में बराबर बांटने हैं। हाउ मैनी मैक्सिमम गेस्ट किशन कैन इन्वाइट, तो मैं कितने मेहमानों को मैक्सिमम बुला सकता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, आराम से थिंक करके क्वेश्चन करना, ठीक है, तभी होगा। जब हबड़ तबड़ में करोगे, जल्दबाजी में करोगे, रटा हुआ होगा कि सर इसमें एस सी एफ ले लो, एलसीएम ले लो, कभी नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, मेरे पास 36 क्या है केले, 60 केले हैं और 36 एप्पल है, 36। तो मैं 36 से कम मेहमान को बुलाऊंगा कि 36 मेहमान बुलाऊंगा कि 60 से ज़्यादा मेहमान को बुलाऊंगा कि 60 मेहमान बुलाऊंगा। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं 36 गेस्ट बुलाऊंगा या उससे कम बुलाऊंगा। क्यों? अगर सपोज करो मैं 40 गेस्ट बुला लेता हूँ तो सभी को मैं एक एक एप्पल तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि चार खाली रह जाएंगे, वो चार आपस में झगड़ा करने लग जाएंगे कैसे कि भाई हमें तो सेब मिला नहीं, आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, हम 36 या उससे कम गेस्ट को बुलाएंगे ताकि सभी को एटलीस्ट एक एक एप्पल तो मिल जाए और एक एक बनाना भी मिल जाए, आई बात समझ में। तो मैंने आपको बताया था दिए हुए नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे भी छोटे पे हम काम करते हैं या उसके इक्वल पे काम करते हैं, तो हमेशा क्या लेते हैं एस सी एफ, आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमें लेना होगा एस सी एफ, किसका, इन दोनों का। तो ध्यान से देखो, 60 का एस सी एफ प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 2 से 30, फिर ये जाएगा 2 से 15, फिर ये जाएगा 3 से 5 और यहाँ पे भी 5, क्लियर है। यहाँ देखो 36 2 से गया, कितना आएगा ये 36 18, फिर ये 2 से गया, फिर ये 9, ये 3 से गया और ये 3 से गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 1। अब देखो मैंने एक के कंडीशन बताई थी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एस सी एफ में हम क्या लेते हैं, एस सी एफ में सिर्फ और सिर्फ हम कॉमन लेते हैं। कॉमन किस में, जो दो में कॉमन हो, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो एक बार 2 लिख दो, फिर क्रॉस करके देखो, अलग अलग मार्कर का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फिर एक बार 2 लिख दो, फिर क्रॉस करके अगला क्या है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो कितना आएगा 3। अब तीनों की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, ध्यान से देखो, 4 3 12, तो मतलब वो मैक्सिमम कितने गेस्ट बुला सकती है, बुला सकता है 12 गेस्ट बुला सकता हूँ मैं। अब वो क्या कह रहा है, हाउ मैनी एप्पल विल ईच गेस्ट गेट, मतलब सभी मेहमानों को कितना कितने कितने एप्पल देने होंगे, कुछ नहीं करना है, ये जो 12 आया है इसको 36 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आ गया 3 एप्पल। मतलब सभी मेहमान को कितने एप्पल मिलेंगे, 3 एप्पल, दोनों आंसर समझ में आए। तो मैक्सिमम गेस्ट कितने बुला सकता है वो 12, मतलब मैं मैक्सिमम 12 गेस्ट को बुला सकता हूँ और सभी गेस्ट को कितने कितने एप्पल देने होंगे 3। इसी में पूछ ले कि मैंगो कितने देने होंगे, तो कुछ बनानास कितने देंगे, तो 60 को डिवाइड कर दो 12 से, तो कितना आ गया 5, मतलब 5 बनानास, और सभी मेहमानों को मुझे कितने बनानास देने होंगे 5, क्लियर है। वो एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी नहीं है, मैंने बता दी। अब वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है कि इफ़ किशन ऑल्सो डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट 42 मैंगोज, हाउ मैनी मैक्सिमम गेस्ट ही कैन इन्वाइट, ठीक है। मतलब अगर मैं 42 आम और ले आता हूँ तो मैं कितने मैक्सिमम गेस्ट को बुला सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये मिटा देते हैं, ये मेरा काम हो गया, मतलब पहला और दूसरा आंसर मिल गया होगा आपको, ठीक है। ये भी मिटा देता हूँ, इसका भी काम हो गया और ये भी मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं क्या क्या था, ये 2 से गया था और ये भी 2 से गया था और यहाँ पे कितना आया था 3, ठीक है, यही था ना। सिमिलरली यहाँ पे भी कर लेते हैं वही, ध्यान से, ठीक है। तो क्या था ये 2 और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 3, क्लियर है।
अब 42 भी आ गए, तो 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो तो कितना हुआ, ये 2 से गया 21, फिर ये 2 से गया कितना, 2 से तो जाएगा नहीं है, ये 3 से जाएगा, तो 3 से ये 7 और 7 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर और ये 1, क्लियर है। अब कॉमन देखते हैं तीनों में क्या क्या कॉमन है, ध्यान से देखना। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों में कॉमन, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन है देखो, एक तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे, तीनों में जो कॉमन हो तो वहाँ पे लिख दिया 2 इंटू। और क्या कॉमन है देखो, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है सिवाय 3 के, तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे लिख लो 3। तो कितना आ गया देखो, सोल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6, क्लियर है, बहुत सिंपल है। लेकिन यहाँ पे काम नहीं हुआ, उसने अभी क्या पूछा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम गेट्स ही कैन इनवाइट। तो क्या करेंगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट दैट ईच गेस्ट विल गेट, ठीक है। तो कितने मेहमानों को बुला सकते हैं पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं, और सबको कितने कितने फ्रूट मिलेंगे वो डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, बनाना कितने हैं, यहाँ पे लिख लो बनाना, तो बनाना कितने हैं 60, तो 60 को डिवाइड कर दो 6 से, तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। मतलब सभी मेहमान को कितने फ्रूट मिलेंगे, 10 10। फिर कितने हैं एप्पल, एप्पल्स कितने हैं, एप्पल्स है 36, इसको भी डिवाइड कर दो 6 से, तो कितना आएगा 6। मतलब सभी मेहमान को कितने कितने एप्पल मिलेंगे, 6 6, है ना। और मैंगोज कितने हैं, मैंगोज, ठीक है, मैंगोज कितने हैं 42, और इसको भी डिवाइड कर दो किससे, 6 से, क्योंकि एचसीएफ कितना आया 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब उसने पूछा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट डेट ईच गेट गेस्ट विल गेट, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट सभी को कितने मिलेंगे, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको, तो कितना आ जाएगा 10 + 6 + 7, तो ये आ जाएगा 23 फ्रूट्स। मतलब सभी गेट्स को कितने कितने फ्रूट्स मिलेंगे, 23, है ना, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और इन और बनाना सबको कितने मिलेंगे 10, यहाँ पे एप्पल सबको कितने मिलेंगे 6, और मैंगो सबको कितने मिलेंगे 7। ये केस अलग है और ये केस अलग है, कन्फ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 2 ही फ्रूट्स थे, इस केस में क्या है एक और फ्रूट एक्स्ट्रा ले आया, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि सर सही है कि नहीं, तो देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 23 × 6, तो 23 × 6 ये वही आएगा जो इन तीनों को ऐड करके आएगा, करके देखते हैं। देखो 60 + 36 + 42, तो देखो यहाँ से कितना आएगा, 6 × 3 = 18, ठीक है, और कितना बचा 1, तो 6 × 2 = 12 और 1 = 13 138, और यहाँ पे देखो सोल्व करो तो यहाँ पे कितना आएगा 60 + 40 = 100 + 38, तो कितना आ गया 138, तो दोनों बराबर आ गए, मतलब मेरा आंसर सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है, केस स्टडी को समझ के अच्छे अच्छे से। मेरे ख्याल से वीडियो की लेंथ देख लो 7 या 8 मिनट की होगी, आराम से समझ में आ गया होगा, बहुत स्लोली समझाया मैंने, मैक्सिमम 10 मिनट की होगी। तो 10 मिनट में अगर आपके 5 नंबर खड़े हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, सोच समझ के तसल्ली से करना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो नोट डाउन कर लो, अगली केस स्टडी करते हैं, बहुत प्यारी केस स्टडी है, नोट डाउन कर लो इसको आप।